हेलो, दिस इज अक्षय दीवान. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज द पार्ट टू ऑफ आवर चैप्टर सीरीज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. राइट, जो लास्ट आपने वीडियो देखी थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है. उससे बेस्ड हमने ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट किया था. जिन बच्चों ने अभी तक वो एक्सपेरिमेंट नहीं देखा तो इस वीडियो से पहले उस वीडियो को जरूर आप देखना पूरा अच्छे से. आपको आइडिया हो जाएगा कि वो चीज को, क्योंकि हम अप्लाई करने वाले हैं इधर, विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज द टॉपिक ऑल अबाउट. अब इसी की एप्लीकेशन हम फर्स्ट केस हमारा ये है स्ट्रेट कंडक्टर में देखने वाले हैं कि जब एक स्ट्रेट कंडक्टर मेरे पास है, इसमें जब मैं करंट पास करूंगा तो क्या इसके अंदर चेंजेस आने वाले हैं. राइट, करंट के जाने से क्या क्या ऑब्जर्वेशन होने वाली है. तो डायग्राम आप देख पा रहे हो, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है मेरे सामने. हमने क्या किया, हमने कार्डबोर्ड ले लिया. राइट, कार्डबोर्ड के सेंटर में हमने एक होल कर दिया. उस होल में से, मान लो ये कार्डबोर्ड है, तो इसके सेंटर में से हमने क्या किया, एक वायर को पास करा विच इज ए बी. ए बी मेरी कंडक्टिंग वायर है जिसको मैंने इसमें से पास किया है. एंड बिकॉज जब मैं की को प्रेस करूंगा तो इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा. थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है कि नहीं हुई है उसको पता लगाने के लिए हमने क्या किया, पूरे कार्डबोर्ड पे आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया. आयरन फिलिंग्स क्या करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड आते ही अपने आप को अपने अंदर चेंजेस दिखाएंगी. बिकॉज एक मैग्नेट, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, उसकी वजह से क्या होगा, आयरन के पीसेस, आयरन के पार्टिकल्स, आयरन की फिलिंग्स उससे अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगी. तो मान लो मैंने इस की को यहां पर कर दिया प्रेस. की को प्रेस करते ही आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाता है तो इस टाइप से करंट जाएगा. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम बी टू ए. ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे आयरन फिलिंग्स हमने स्प्रिंकल करी थी उनका क्या होगा, कार्डबोर्ड को हल्का सा ऐसे टैप करो, आयरन फिलिंग्स अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेंगी सर्कल्स की फॉर्म में. ये दिस वॉज द ऑब्जर्वेशन कि आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल. ठीक है ना, आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लिया. आयरन फिलिंग्स का इस तरीके से अरेंज हो जाना इज द इंडिकेशन दैट इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, इसमें जब करंट चला गया इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ गई है. दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. कि जब भी इस कंडक्टर में से मैं करंट पास करूंगा इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, जो मुझे पता लगा यूजिंग आयरन फिलिंग्स अराउंड माई कंडक्टर. अब क्या होगा, देखो आपको ये तो पता लग गया, देखो सर्कल्स की फॉर्म में आई है. कैसे आई है, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में आई है. दिस इज द पैटर्न ऑफ इट. अब अगर मान लो मुझे पता लगाना है कि यार इसकी डायरेक्शन क्या होगी. अब सर्कल्स तो पता लग गए, सर्कल में हमेशा दो डायरेक्शन होती है, वन इज क्लॉकवाइज एंड वन इज एंटी क्लॉकवाइज. एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करना है, हमने एक्सपेरिमेंट में एक मैग्नेटिक कंपास रखनी है यहाँ पे. ठीक है, मैग्नेटिक कंपास क्या बताएगी आपको, मैग्नेटिक कंपास आपको ये बता देगी इन लाइंस की डायरेक्शन क्या है. फॉर एग्जांपल, मैग्नेटिक कंपास रखने से देखा गया द निडल वाज डिफ्लेक्टिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. मैग्नेटिक निडल का जहां पे नॉर्थ होगा ये साउथ है, जहां पे नॉर्थ है वहां पे एरो होती है, जहां पे नहीं होता वहां पे साउथ होता है. तो मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ आपको डायरेक्शन देगा, दैट मींस डायरेक्शन हो गई है ऐसे. And like this. That is anti-clockwise direction हो गई in this case, जो हमने magnetic compass के help से देख लिया है. तो पहला आप ये point देख सकते हो, when current is passed, current जब हमने pass करा तो क्या हुआ, iron fillings ने अपने आप को iron fillings arrange themselves in the form of concentric circles की form में उन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया. Secondly, magnetic compass का जो, मैं आपको short points लिख देता हूँ, magnetic compass का क्या है, उसका north जो है वो आपको इनकी direction दे देगा जो इसमें anti-clockwise आ रही है ना. Okay, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, करंट के जाने से चेंजेस आए हैं, बस ये सबसे मेन बात है. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब करंट इज द कॉज. करंट भेजा मैंने, की को प्रेस करा, करंट बी से ए जा रहा था, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड आसपास आ गई. मैग्नेटिक फील्ड के आ जाने को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट.
क्योंकि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई है, तो करंट की वैल्यू अगर मैं बढ़ा दूंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी, लाइंस पास पास आ जाएंगी और बहुत सारी लाइंस बनेगी, दैट मींस मेरी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो करंट को मैं बढ़ा सकता हूं। तो करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, एक बात। दूसरी बात, करंट को अगर मैंने रिवर्स कर दिया, फॉर एग्जाम्पल बैटरी को मैंने टर्मिनल्स को उल्टा लगा दिया, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो करंट ए से बी जाएगा। करंट की डायरेक्शन भी अगर रिवर्स हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, और अगर करंट को रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो सारा करंट पे ही डिपेंड करता है, बिकॉज करंट ही कॉज है, करंट की वजह से सारे चेंजेस आ रहे हैं, राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज हो जाएगा इन केस हमने करंट को रिवर्स कर दिया तो। और इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं इसमें, अगर मैंने करंट को बढ़ाया मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, मैंने करंट को रिवर्स करा वो रिवर्स हो गई। तीसरा केस ये आ सकता है, अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स, अब ये वायर एक बार पास हो रही है, आप इसको 10 बार पास कर दो, 10 गुना हो जाएगी। जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितनी बार वायर घुमाई जाएगी, जितनी बार ऐसे ऐसे आप 10 बार घुमा दो इसमें, तो उतना टाइम्स हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो आप, ठीक है ना। क्या है नंबर ऑफ टर्न, TURNS, टर्न्स बढ़ा दो कॉइल के, या आप एक वायर ऐसी ले लो जो इससे और अच्छी ज्यादा कंडक्ट करती हो इलेक्ट्रिसिटी को, तो भी ज्यादा करंट जाएगा। तो ये सारे तरीके आपको मैं बता रहा हूं कि जो स्ट्रेट कंडक्टर से मिलने वाली मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको हम बढ़ा सकते हैं, करंट को बढ़ा के, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के, एक और अच्छा कंडक्टर लेके, ठीक है। आप मोटी वायर ले लो थोड़ा और भी अच्छा हो जाएगा, ज्यादा करंट जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट, आई सपोज आपको क्लियर हो गया। तो एक्सपेरिमेंटली हमने कंपास को रखा, जहां पे कंपास का नॉर्थ है वहां पे मुझे वो मुझे डायरेक्शन हो गई। लेकिन अगर मुझे थ्योरेटिकली बात करनी हो, जैसे आपको भी मैं समझा रहा हूं, तो मेरे पास एक रूल है इसी डायरेक्शन को निकालने के लिए, जिसको आपको ध्यान से समझना है। मैंने उसका स्टेटमेंट ऑलरेडी लिख दिया है, दिस इज द रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल में देखो मैंने एक डायग्राम बनाया, आप देख पा रहे होगे। तो वो क्या कह रहा है, होल्ड द, ये मान लो ये कंडक्टर है, ये जो वायर है मेरी ए बी, इस ए बी वायर का ये जो ए बी कंडक्टर है इसको आपको अपने राइट हैंड में होल्ड करना है, ऐसे ऐसे होल्ड करा। मान लो जो ये ब्लैक कलर की कैप है ये करंट की डायरेक्शन है, देखो जैसे इसमें था करंट ऊपर जा रहा है, तो होल्ड द कंडक्टर, आपको अपने सीधे हाथ में कंडक्टर को पकड़ना है। पकड़ने से क्या होगा, देखो, होल्ड द स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड, इसमें करंट जा रहा है, इस तरीके से होल्ड करो कि आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में हो, जो थंब हमारा करंट की डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से पकड़ना है। तो जिस तरीके से हमारी क्या ऐसे पकड़ने पे क्या हुआ, जिस तरीके से मेरी फिंगर्स बंद होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें देख पा रहे हो ऐसे फिंगर्स मेरी बंद हो रही हैं, कर्ल हो रही हैं, ऐसे फिंगर्स मेरी फोल्ड हो रही हैं, तो वो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। इसमें अप्लाई करके दिखाता हूं आपको मैं, ये 2D डायग्राम है, 3D में आपको कैसे इमेजिन करना है कि वायर ऐसे बाहर है। तो अगर मैं इसको यूं पकड़ूंगा, करंट की डायरेक्शन देखो ऊपर है ना, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो मैं इसको यूं पकड़ूंगा तो देखो कैसे आ रही है, फिंगर्स ऐसे बंद हो रही है, ये देखो ये डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट अगर ऊपर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे जाएगा तो क्लॉकवाइज। इसको याद करने की मैंने छोटी सी ट्रिक ट्राई करी है, बोल जो राइमिंग स्कीम होती है ना वो ट्रिक बन जाती है कई बार। जैसे कि मान लो करंट अगर ऊपर है तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे है तो क्लॉकवाइज। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ऊपर एंटी नीचे क्लॉक, ठीक है, ऊपर एंटी, आंटी नहीं है ध्यान रखना, ऊपर एंटी है, ठीक है ना, तो आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी नहीं है एंटी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऊपर एंटी नीचे क्लॉक, करंट अगर ऊपर जा रहा है तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज, नीचे जा रहा है तो क्लॉकवाइज। आई होप इस तरीके से आपको ये क्लियर हो जाएगा। सारे पॉइंट्स मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं, क्या क्या चेंजेस आएंगे तो इसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। स्ट्रेट कंडक्टर में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, हमने देखा इस पैटर्न में मिलती है, हमने देखा डायरेक्शन पता करी दो तरीके से, कंपास से और राइट हैंड थंब रूल से। पूरा स्टेटमेंट आपको आना चाहिए और ये डायग्राम, इससे रिलेटेड गिव रीजंस सब आपको पता होने चाहिए, राइट। दिस वाज पार्ट टू ऑफ आवर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सर्कुलर कॉइल और सोलेनॉइड बताऊंगा, एंड इन दिस वे विल बी कवरिंग आवर होल चैप्टर। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने नहीं किया है।
कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं, ऑल्सो एट माई टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।